अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये बुके शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए मैं अब इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चॉकलेट्स की ज़रूरत है, वो आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं। तीन एक तरह की ले लें अगर आपने तीन का पेयर बनाना है, और अगर आप दो तरह की बनाना चाह रहे हैं तो आप दो तरह की भी ले सकते हैं। तो मैं इन चॉकलेट से बनाना स्टार्ट करती हूँ। हमें चॉकलेट्स को अटैच करने के लिए इस तरह की स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये स्टिक्स बाज़ार से लेना चाहें तो वो एक बिल्कुल ही पतली सी स्टिक मिलती है, वो भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने ये खुद बनाई है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। एक किसी भी किस्म का इस तरह का पेपर लेके इसको इसके कॉर्नर से जो है वो हमने फोल्ड करना स्टार्ट करना है। फिर हम इसकी साइड से निकाल लेंगे और इसको इसी तरह फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पे गम लगा लेंगे, फिर ये यहाँ पे अच्छी तरह ये अटैच हो जाएगा। इसे अटैच करने के लिए इसके साथ कोई गम लगा लें, या फिर मैं यहाँ पे टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तीन तीन चॉकलेट्स को आपस में जोड़ लेंगे। इसकी बैक साइड पे टेप लगा देंगे। अब इन तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे, ऊपर नीचे रख के। ये इसकी डिज़ाइनिंग के लिए हमें कलरफुल शीट्स की ज़रूरत है। उसके अलावा हमें कोई थ्रेड की ज़रूरत है, रिबन की ज़रूरत है, और जिस किस्म की भी हम डेकोरेशन करनी चाहें। हम मैंने ये एक टाई सी बनाई है, ये भी मैं यूज़ करूँगी। उसके अलावा मुझे टेप की ज़रूरत है, शीशा टेप भी हमें चाहिए होगी। उसके अलावा UHU या आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हों, आप सारे मतलब सारी चीज़ें इस्तेमाल में आएंगी। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये स्क्वायर साइज़ की हम शीट लेंगे। मैंने डबल लिया है क्योंकि मेरी थोड़ी सी वो हार्ड नहीं है, इस वजह से इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह Thank you.
अब इसकी ये दोनों साइड्स कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी इसको ज़रा मजबूती से बांधने के लिए मैं यहाँ पे धागे के साथ इसको ज़रा बांधने लगी ताकि थोड़ा सा मजबूत हो जाए। अब ये जो स्टिक्स हैं इसको कवर करने के लिए ये मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा हाफ कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसकी अभी भी ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा है और यहाँ से भी हल्का सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो मैंने किया है कवर इसको मैं इसकी एक डबल फोल्डिंग करूँगी ताकि ये खुल ना जाए। ये मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस थोड़ी सी फिनिशिंग रह गई। अब एक पीस लूँगी मैं इसकी टाई बनाने के लिए, इसके सेंटर में लगाने के लिए। इस तरह करने के बाद मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगी। अब मैं एक रिबन ले रही हूँ, रिबन को मैं इस तरह इसके साथ अटैच कर लूँगी। इसे इस तरह लगाने के बाद इस पे मैंने जो टाई बनाई हुई है ये लगा दूँगी।